told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. तो आज की वीडियो में हम लोग आपको घुमाएंगे मनाली, जो कि एक खूबसूरत हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ समर्स में आपको हरे भरे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वहीं अगर आप विंटर में आते हो तो आपको यहाँ पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखेंगे। आप मनाली समर में आओ या विंटर में, मनाली आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के घूमते हैं मनाली। तो गाइज अभी हम लोग हैं अपने होटल में। हमारे होटल से जो बालकनी का व्यू है ना, आप वो जरा चेकआउट करो, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। और ये है हमारा रूम, थोड़ा मेज़ब हो गया है क्योंकि मैं यहाँ पर सुबह आ गया था तो मैं एक दो घंटे के लिए सो गया था। और अच्छा रूम है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये है होटल की बालकनी, यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो और यहाँ से जो है बिल्कुल नज़ारे का आनंद उठा सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कोई अगर होटल सर्च कर रहे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा, आप जाके बुक करा सकते हो। और अभी बस ब्रेकफास्ट करूंगा और ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग घूमेंगे आज पूरा मनाली। तो अगर आप लोग भी मनाली आने का प्लान बना रहे हो तो मनाली ऑलमोस्ट सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। आपको जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों से आपको ऑर्डिनरी, वॉल्वो और जिंग बस मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली NCR से आ रहे हो तो जिंग बस बेस्ट रहेगी। दिल्ली से मनाली का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 550 किलोमीटर और बस आपको 12 से 14 घंटे में मनाली पहुंचा देगी। दिल्ली में आपको बस कश्मीरी गेट, RK आश्रम और मजनू के टीला से मिल जाएगी। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो मनाली से है वो है भुंतर एयरपोर्ट, जो कि कुल्लू में है। एयरपोर्ट से जो मनाली का डिस्टेंस है वो है अराउंड 50 किलोमीटर और आप जब एयरपोर्ट पहुंचोगे तो वहां से आप टैक्सी या फिर बस लेके मनाली पहुंच सकते हो। लेकिन गाइस कई बार आपको जो फ़्लाइट है वो भुंतर तक के लिए डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो आपको दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से आपको फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। अगर बात करें रेलवे स्टेशन की तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है कालका एंड चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। कालका से जो मनाली का डिस्टेंस है वो आपको पड़ेगा 280 किलोमीटर और अगर आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आ रहे हो तो आपको मनाली पड़ेगा 313 किलोमीटर। अगर बात करें होटल की कि आपको ऑनलाइन बुक कराना चाहिए या मनाली पहुंच के आपको होटल लेना चाहिए, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे GoIBIBO, MakeMyTrip, Yatra.com, आप यहाँ पे होटल बुक करा के आओ क्योंकि मनाली में काफ़ी रश रहता है और अगर आप ऑनलाइन बुक करा के नहीं आओगे तो यहाँ पे होटल ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपका बजट अच्छा है तो मनाली में आपको 3-स्टार, 5-स्टार या फिर आपको रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट एवरेज है तो मनाली में आपको 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 वाले होटल भी मिल जाएंगे। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आपका बजट बहुत कम है तो आपको ओल्ड मनाली में 400, 500, 600 रुपए तक के हॉस्टल मिल जाएंगे। अगर बात करें कि मनाली में आपको होटल कहाँ लेना चाहिए तो आप मॉल रोड छोड़ के आप ओल्ड मनाली या वशिष्ठ टेम्पल के पास में आप होटल ले सकते हो। ओल्ड मनाली में आपको एक तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा मिलेगा और दूसरा जो वहाँ पर होटल के प्राइसेस हैं वो आपको कॉस्टली मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मनाली या फिर वशिष्ठ टेम्पल। और अगर आप होटल वशिष्ठ टेम्पल के पास लेते हो जैसे हमने लिया है तो वहाँ पर आपको काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा और वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है जो आप शाम को विज़िट कर सकते हो। अगर बात करें कि मनाली आपका कब आना सही रहेगा तो आप मनाली पूरे साल आप कभी भी आ सकते हो एक्सेप्ट मानसून, क्योंकि मानसून में बारिश होने के वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। मनाली अगर आप समर में आते हो तो काफ़ी प्लेजेंट वेदर होता है और अगर बात करें विंटर की तो विंटर में यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो आप मनाली में घूम सकते हो और कैसे आप डे वाइज अपनी मनाली की आइटनरी प्लान कर सकते हो। तो गाइज ये है अपना होटल, यहाँ से ही पास में है वशिष्ठ टेम्पल तो वहाँ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज वो वाला जो है ना वो है अपना होटल और जस्ट होटल के पास में ही ये है वशिष्ठ टेम्पल और दर्शन मैंने कर लिए, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। तो गाइज वशिष्ठ टेम्पल के बाहर ये पानी का स्रोत है और ये बिल्कुल पानी देखो गरम आ रहा है, यहाँ पे भाप निकल रही है पानी की और बिल्कुल ही चमत्कार से कम नहीं है ये जगह। और गाइस हमारे होटल के पास में ही ये पूरी मार्केट है वशिष्ठ टेम्पल की मार्केट और मार्केट काफ़ी क्यूट सी है तो यहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो।
वशिष्ठ टेम्पल रोड पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड कैफेज मिल जाएंगे जहां पर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हो। और हमने भी एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में लंच किया और लंच करने के बाद हम लोग निकले मनाली मॉल रोड के लिए। और गाइज मनाली मॉल रोड पे आप घूम फिर सकते हो, यहाँ पे काफी सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आप खा पी सकते हो, और यहाँ आप अगर अपनी फैमिली के साथ आए हो तो शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो मनाली मॉल रोड के बाद हमने एक रेंट पे स्कूटी ली जिसका नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और स्कूटी रेंट करने के बाद हम पहुंचे हडिम्बा देवी टेम्पल। हडिम्बा देवी जी टेम्पल डेडिकेटेड है हडिम्बा जी को, जो कि भीम की वाइफ थी। मंदिर चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है, तो जब भी आप मनाली आएं हडिम्बा देवी टेम्पल जरूर जाएं, और यहां पे आके आपको काफी ज्यादा पीसफुल लगने वाला है। मंदिर के बाद हम लोग गए वन विहार, जो कि हडिम्बा देवी जी के बगल में ही है। वन विहार में जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप नेचर के बीचों बीच आ गए हो। यहाँ पे आपको 40 फीट 50 फीट ऊंचे ऊंचे देवदार पेड़ देखने को मिलेंगे। वन विहार घूमने के बाद हम लोग गए मनाली के क्लब हाउस में, जो कि ओल्ड मनाली में मानुसली रिवर के पास है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, जिप लाइनिंग कर सकते हो, और क्लब हाउस की जो एंट्री टिकट है वो आपको करीबन 25 रुपए की पड़ेगी। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये आपके लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो क्लब हाउस एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुंचे मनाली के फेमस कैफेज में। और गाइज ओल्ड मनाली में बहुत सारे फेमस कैफेज हैं जो कि मानुसलु रिवर के पास में आपको दिखेंगे, तो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ बहुत सारे कैफेज में लाइव म्यूजिक चलता रहता है, तो आप यहाँ लाइव म्यूजिक भी इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस डे वन में आप पूरा मनाली लोकल एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें वशिष्ठ टेम्पल, हडिम्बा देवी टेम्पल, मॉल रोड, वन विहार, क्लब हाउस एंड कैफेज इन ओल्ड मनाली। अगर बात करें कि आप ये एक्सप्लोर करोगे कैसे, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप स्कूटी ले सकते हो, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ पर टैक्सी ले सकते हो। टैक्सी का आपको जो है 1,000-1,500-2,000 तक पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, तो आप आने से पहले आप टैक्सी की बुकिंग अपनी करा सकते हो। तो गाइज अब बात कर लेते हैं डे टू की। तो डे टू में आप ब्यूटीफुल रास्ते एंजॉय करते हुए आप जा सकते हो सोलांग वैली, जो कि मनाली से करीबन 13-14 किलोमीटर दूर है। सोलांग वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ मनाली, और यहाँ पे आप काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हो। अगर आप समर में आते हो तो आप यहाँ रोपवे जा सकते हो, जिसका प्राइस आपको 650-700 पड़ेगा, और आपको रोपवे में घूम के काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ऊपर से जो वादियों का जो व्यू आता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा आता है। और रोपवे के अलावा आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, जिसका प्राइस आपको करीबन 1,000 रुपये से लेके 3,000 तक पड़ेगा। लेकिन अगर आप मनाली विंटर में आने का प्लान कर रहे हो तो सोलांग वैली में आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो अगर आप सोलांग वैली समर में आते हो तो आपको काफ़ी ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन अगर आप सोलांग वैली विंटर में आते हो तो काफ़ी आपको स्नो मिलेगी। तो गाइस डे टू में सोलांग वैली एक्सप्लोर करने के बाद फिर आप जा सकते हो अटल टनल, जो कि सोलांग वैली से करीबन 10-12 किलोमीटर दूर है। और अटल टनल का नाम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे पड़ा है, और ये एक 9 किलोमीटर की सबसे लंबी टनल है, जो कि 10,000 फीट के ऊंचाई पर है। तो गाइस फाइनली आ गए अटल टनल के बाहर, और ये जो देख रहे हो ना ये है अटल टनल का मतलब एग्जिट पॉइंट। वहाँ पे ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पुलिस वाले मना करते हैं, और हम लोग यहाँ से आते हुए ये ब्रिज जो देख रहे हो ना यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं, और अब सिसु के टूवर्ड्स जाएंगे। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद आप सीधा लाहौल डिस्ट्रिक्ट में आ जाओगे, और मात्र 6 किलोमीटर दूर वहाँ से आपको पड़ेगा सिसु, जहाँ पे आप सिसु लेक और सिसु वाटरफॉल देख सकते हो। एंड आई गेस आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स में और फोटोज में आपने सिसु वाटरफॉल देखा होगा। तो गाइस डे टू की आइटनरी आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि पहले आप मनाली से निकलो सोलांग वैली के लिए, सोलांग वैली के बाद आप अटल टनल होते हुए आप पहुंचो सिसु, और सिसु में आप वाटरफॉल और लेक इंजॉय करने के बाद आप शाम को या तो आप अपने होटल में जाके चिल कर सकते हो, नहीं तो आप शाम को मॉल रोड भी जा सकते हो।
तो अब बात कर लेते हैं डे थ्री की। तो डे थ्री में आप जा सकते हो रोहतांग पास, जो कि मनाली से है 50 किलोमीटर दूर, और रोहतांग पास की जो ऊंचाई है वो है 13,000 फीट। अगर आप रोहतांग पास जाते हो तो रोहतांग पास आपके ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होगा। रोहतांग पास जाने का रास्ता इतना ब्यूटीफुल है कि आपको लगेगा कि जन्नत में आ गए, और रास्ते में आपको कई सारे वाटरफॉल और आपको 10-10 फीट ऊंची स्नो देखने के लिए मिलेगी रोड के साइड्स में। मनाली से रोहतांग पास पहुंचने में आपको 2-3 घंटे लगेंगे, और जब आप रोहतांग पास पहुंचोगे तो आपको बहुत सारी स्नो देखने के लिए मिलेगी, और यहां आप बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि जब आप मनाली से निकलो तो आप रास्ते से ही स्नो ड्रेस ले लेना, क्योंकि रोहतांग पास में ज़्यादा स्नो होने के कारण आपके जो कपड़े हैं वो भीग सकते हैं, और भीगने की वजह से आप बीमार पड़ सकते हो। कपड़े जो है वो आपको बहुत ही नॉमिनल रेट में मिल जाएंगे, 200-250 रुपए की आपको पूरी ड्रेस होती है, जिसमें स्नो बूट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, कि आप जब भी रोहतांग पास जाओ आप स्नो ड्रेस लेके जाओ। समर टाइम में जब आपको मनाली, सोलांग वैली और सिसु में आपको ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी, वहीं रोहतांग पास में आपको काफ़ी सारी स्नो देखने को मिलेगी। रोहतांग पास अप्रैल मई के अराउंड खुलता है, और करीबन अक्टूबर तक रोहतांग पास हैवी स्नो के कारण बंद हो जाता है। अगर आप रोहतांग पास अपनी गाड़ी से आ रहे हो, चाहे वो बाइक हो या कार हो, तो आपको रोहतांग पास के लिए परमिट लेना पड़ेगा। और मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि जब भी आप रोहतांग पास जाओ उससे 2-3 दिन पहले परमिट ले लो, क्योंकि रोहतांग पास के लिए बहुत ही लिमिटेड कार हैं जो पर डे जाती हैं, इसलिए 2-3 दिन पहले आप परमिट अपना निकाल लेना। परमिट निकालने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दे रखी है, आप वहां से जाके अपना परमिट ऑनलाइन निकाल सकते हो। अगर आप मनाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हो तो आप रोहतांग पास टैक्सी से भी जा सकते हो। टैक्सी का किराया आपको 4,000 रुपये से लेके 6,000-7,000 तक पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो। और गाइज, जब भी आप रोहतांग पास जाना तो ट्राई करना आप अर्ली निकल जाना, क्योंकि जो गुलाबा है जहाँ पर सारे परमिट चेक होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, और आपको रोहतांग पास जाने और आने में पूरा एक दिन चाहिए, तो आप अपने आइटनरी में जो एक दिन है ना वो पूरा कम्प्लीटली रोहतांग पास के लिए ही रखना। तो गाइज, इस तरह से आप अपनी 3 डेज और 2 नाइट्स की आइटनरी प्लान कर सकते हो। डे 1 में आप मनाली लोकल एक्सप्लोर कर सकते हो, डे 2 में सोलांग वैली एंड सिसु, एंड डे 3 में आप जा सकते हो रोहतांग पास। अगर आप मनाली मोर देन 3 डेज के लिए आ रहे हो तो आप सेथन, जिस्पा एंड कसौल भी अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग रिसर्च, होटल बुकिंग, आइटनरी प्लानिंग, अगर आप इन सब से अपना टाइम या फिर एनर्जी सेव करना चाहते हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप वहां से जाके मनाली के लिए पैकेजेस भी ले सकते हो, जो कि आपको रीजनेबल प्राइस में अच्छे होटल के साथ मिल जाएगा। पैकेज बुक कराने से जो आपका ट्रिप है वो काफ़ी सॉर्टेड हो जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो या फिर आप अपना टाइम और एनर्जी सेव करना चाहते हो तो आप पैकेज से ही आओ, तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बाकी गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, और आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I feel.